शिक्षित बेरोजगार बहुत परेशान है, पूरे देश में भी और उत्तराखंड में तो विशेष रूप से परेशान है। 2017 से भर्तियां रुकी पड़ी है, अधियाचित पद भी गैर अधियाचित हो गए, इम्तिहान हो रहे हैं, किसी न किसी बहाने उनको रद्द कर दिया जा रहा है, एडवर्टीजमेंट निकल रहे हैं, फिर डेटें बदल जा रही हैं, फॉरेस्ट से लेकर के हर महकमे में ऐसा लगता है कि जैसे लॉलीपॉप दिखाए जा रहे हों और फिर हटा दिए जा रहे हैं। जहां कहीं जाता हूं तो नौजवान यही सब पूछते हैं, बीएड प्रशिक्षित भी और विशेष तौर पर जो शारीरिक योग्यता के साथ डिप्लोमा होल्डर थे वो भी सब परेशान हैं। योगा के लोग भी परेशान हैं, क्योंकि योगा का विस्तार करने के बजाय जो हमने एक योगा सर्किट बनाया था अल्मोड़ा में जागेश्वर का, उसको समाप्त कर दिया गया है और यहां ऋषिकेश के योगा सर्किट को संकुचित कर दिया गया है, तो सब परेशान हैं। मैं क्या इनके लिए कर सकता हूं, कह सकता हूं, राज्य सरकार को सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ एमबीबीएस के चयनित छात्र फीस को लेकर के परेशान है, इतनी फीस रख दी है कि मेरी अपनी नातिन जो पीजी के लिए चयनित हुई उसको केवल इसलिए अपना क्लेम छोड़ना पड़ा क्योंकि 20-22 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हो सका। और ये कहानी मेडिकल के क्षेत्र में जाना जा रहे अधिकांश मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के बच्चों के सामने खड़ी हो, गरीब तो कल्पना ही नहीं कर पा रहा है कि उसको सहारा न मिले। तो आयुर्वेद के बच्चे परेशान है, राज्य सरकार कहती है कि फीस घटाओ और जो आयुर्वेदिक कॉलेज के सूत्रधार है वो कहते हैं कि नहीं, कौन है सरकार, और सरकार तो हम हैं। और वास्तविकता भी है, जो जो नाम है आयुर्वेदिक के क्षेत्र में जिनके प्रशिक्षण संस्थान हैं वो सब सरकारी हैं, तो संया भये कोतवाल, तो डर काहे का फीस। सरकार कहती है कम कर दी है और कोर्ट कहता है कम कर दी है, लेकिन बच्चे हैं, उनका शोषण हो रहा है, वो संघर्षरत है। मैंने तय किया है कि मैं एक दिन राजभवन के सम्मुख अकेले, मैं नहीं चाहता कि किसी को अवसर मिले कहने का कि मैं कोरोना फैलाने मैं सहायक हो रहा हूं, मैं अकेले उपवास पर बैठना चाहता हूं। और यदि मुझे गवर्नर हाउस नहीं बैठने दिया तो मेरे भोलेनाथ तो हैं ही हैं, उनके कहीं मंदिर के सामने बैठ जाऊं, लेकिन मुझे लगता है मैं इस समय और कुछ नहीं कर सकता अपने इन सब बच्चों के लिए कि मैं एक दिन का उपवास कर इनके मनोबल को, संघर्ष के मनोबल को बढ़ाने का काम करूं। जय हिंद, जय नौजवान।